हाय दोस्तों, आज फिर नई क्लास के साथ में और नई एनर्जी के साथ में मैं लेके आ चुका हूं भारतीय संविधान। क्योंकि सीईटी के अंदर भारतीय संविधान का जो टॉपिक दे रखा है, नाम छोटा काम बड़ा। मतलब इस बात को मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दोस्तों जो भारतीय संविधान में जो टॉपिक दिया गया है सीईटी के अंदर, वो लिखा है भारतीय राज व्यवस्था। तो भारतीय राज व्यवस्था तो काफी बड़ी है भाई, उसमें टॉपिक दे देता भाई, जैसे कि मौलिक अधिकार हो गया, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति होगी, लोकसभा होगी, ऐसे टॉपिक दे देता तो अपन को आसान हो जाता। लेकिन उसमें एक शब्द दिया गया है भारतीय राज व्यवस्था। तो सोचिए इस वाले क्वेश्चन को अपन कैसे करें भाई, क्योंकि इसमें तो मतलब ये कि पूरा अपन को पढ़ना पड़ेगा, और जब तक अपन पूरे नहीं पढ़ेंगे जब तक भारतीय राज व्यवस्था अपन जान नहीं सकते। तो मतलब मैं छोटी छोटी बात बता देता हूँ कि भारतीय संविधान की जो शुरुआत हुई थी, वो शुरुआत कहाँ से और कैसे हुई, और प्रेजेंट टाइम में क्या है और पहले क्या था, उसके बाद हम छोटी मोटी चर्चा करते जल्दी जल्दी, ताकि आपको कल से क्लास को कंटिन्यू कर दिया जाएगा। तो देखो दोस्तों, भारतीय संविधान भारतीय संविधान के बारे में हम चर्चा करते हैं कि भारतीय संविधान का 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत हो गया था। कितने में? 26 जनवरी 1950 को ये अंगीकृत हो चुका था, ठीक है दोस्तों। तो भारतीय संविधान में जब ये लागू किया गया था, जब कितने आर्टिकल थे, कितनी भाषा थी, कितने भाग थे, कितनी सूची थी, वो अपन चर्चा करने वाले हैं। तो देखो उस टाइम जो आर्टिकल थे वो 395 थे, और जो अनुसूची है, अनुसूची उस टाइम 8 अनुसूची थी भाई, कितनी अनुसूची थी? 8 थी। और जो भाग है वट है 22 भाग थे, और आज के अंदर जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 480 बताते हैं, कोई लोग कोई बताता है 462 हो गया, कोई 444 बताता है। लेकिन भाई मैं इन बातों को मानता नहीं हूं। अब भाई आप सोच रहे कि सर मैंने तो इतना ही पढ़ा 400 445 444 465, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। आज भी आर्टिकल 395 है, और पहले भी 395 थे, और आने वाले टाइम में 395 रहेंगे। ऐसा क्यों? अपन पढ़ा है मैंने, सर मैंने 465 पढ़ा है, मैंने 480 पढ़ा है, आपने पढ़ा है, इस बात को मैं भी मानता हूं और आगे भी आने वाले टीचर भी मानेंगे। क्योंकि 395 उस टाइम थे और आज भी है, लेकिन अपन कहते हैं आर्टिकल 21 के तहत क्या भाई, इसमें सर्टिफाई कर रहा हूं आप सभी को कि कंफ्यूजन हो कि आर्टिकल 21 के तहत, अभी के तहत तो क्या कर दिया, एक अलग से जोड़ दिया, तो एक ही हो गया और एक ही हो गया, दो हो गया। माना कि भारतीय संविधान के अंदर एक ही, क्योंकि के में जोड़ा गया था, संशोधन किया गया था, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसमें ऐड कर दिया गया। इसको अपन गिनती कर करके क्या 480 465 470 तक लेके आ गया, ठीक है इस प्रकार से। और जो अनुसूची है, अनुसूची आज टोटल भारतीय संविधान के अंदर 12 अनुसूची और लेके गया है, तो कितनी सूची बढ़ी हुई, 4 अनुसूची बढ़ गई। अब 4 अनुसूची कौन कौन सी बढ़ी वो मैं आपको क्लियर कराने वाला हूं, पूरी सूची के साथ में आपको बताऊंगा, 12 सूची आज मैं आपके सामने विस्तार करने वाला हूं। अब बात करते हैं भाग, आज भाग हो चुके 26, सर पहले 22 भाग थे आज 26 भाग है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, आज ही 22 ही भाग है, लेकिन उन्होंने जोड़ दिया गया, मैंने जैसे आर्टिकल बताया उसी प्रकार से इसमें भी आर्टिकल को मतलब भाग को जोड़ दिया गया था। तो इस हिसाब से मतलब आज की कंडीशन और पहले की कंडीशन दोनों आप अंतर समझ पा रहे हो, कि पहले आर्टिकल 395 थे, अनुसूची 8 थी,
और 22 भाग 3 आज 480 465 444 ये आर्टिकल बताए जा रहे हैं और भाग 26 हो गए, अनुसूची 12 हो चुकी है। तो अपन बात करने वाले अनुसूची पर, पूरी अनुसूची कंप्लीट 12 अनुसूची बताने वाले, तो वीडियो बने रहिए आप। दोस्तों अपन चर्चा करने वाले अनुसूची, टोटल पता है आपको 12 अनुसूची है और इन 12 अनुसूचियों के माध्यम से मैं आपको एक एक सूची बताने वाला हूं कि पहली सूची के अंदर क्या लिखा हुआ है, दूसरी सूची के अंदर क्या लिखा हुआ, और पहला 8 दिया 12 हो चुकी, तो 4 अनुसूची कौन कौन सी बड़ी है वो भी अनुसूची आपको मैं बताने वाला हूं। आप सभी को 12 सूचियों अच्छी तरीके से रटना है और इस प्रकार से मैं आपको रटा दूंगा कि आपकी लाइफ में आप कभी नहीं भूलने वाले, ठीक है दोस्तों। तो भाई मैं जो लिखूंगा आपके सभी की समझ में आना चाहिए, सूची डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा 1 2 3 4 ना ऐसे तो बाद में लिखने वाला। तो मैं दोस्तों एक अनुसूची की बात करता हूं, पहली सूची के अनुसार बताया गया कि कितने राज्य है, राज्यों का संगठन या राज्यों का विस्तार। तो पहले ही बताया कि राज्य, राज्य का संघ या संघ का राज्य, ठीक ये बताया गया। और अनुसूची 2 के तहत बताया गया है जो भारत में बड़े बड़े पद होते हैं जैसे कि राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, इनके बारे में, वेतन के बारे में बताया गया। किसके भाई, अनुसूची 2 के तहत भाई बड़े बड़े पद है उनका वेतन के बारे में बताया गया, वेतन, ठीक है। अब अनुसूची 3 में क्या बताया गया, अनुसूची 3 के अंदर तहत शपथ बताई गई, शपथ। अब शपथ किसकी भाई, जो राष्ट्रपति होते, उपराष्ट्रपति होते, प्रधानमंत्री होते, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते, उनको शपथ दिलवाने के लिए इसमें आर्टिकल किसमें भाई, वो सॉरी आर्टिकल के तहत किया गया है इसके। तो भाई अनुसूची 3 में शपथ है। अब बात करते 4 की भाई, और जो आर्टिकल 4 है, सॉरी आर्टिकल अनुसूची 4 के तहत बताया गया है कि जो राज्य, राज्य एवं संघ सीटों का बंटवारा, क्या भाई सीटों का बंटवारा, तो राज्य और संघ जो सीटों का बंटवारा है वो अनुसूची 4 के तहत किया गया है। अब बात करें भाई 5 में, तो 5 में क्या बोला है, जो एससी एसटी है, क्या भाई एससी और एसटी है उनके लिए इसका उल्लेख किया गया है। किसके लिए भाई, एससी वे एसटी के लिए इसको उल्लेख किया गया है। किसके अंदर, अनुसूची 6 वो 5 के अंदर, अनुसूची 6 के अंदर जो भारत में 4 राज्य है, अमित मतलब असम, त्रिपुरा, मेघालय, इन 4 राज्यों में इसका उल्लेख किया गया है, जो आदिवासी होते हैं, जनजाति होते हैं, जिसके लिए असम में, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, और एक हो गया म्यूजियम, इन 4 राज्यों में इसको लिख क्या है। 7 में भाई, 7 में क्या बोला है, 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूची और है, 3 सूची है भाई। तो सूची कौन कौन सी, एक तो होती है समृद्धि सूची, समृद्धि सूची, एक होती है संघ सूची, और तीसरी होती है राज्य सूची। अब दिमाग में आ रहा होगा सर समृद्धि सूची क्या होती है, राज्य सूची क्या होती है, और ये संघ सूची क्या होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, जो समृद्धि सूची शब्द है ये भारतीय संविधान में कहां से लिया गया था, तो ये दोस्तों जो समृद्धि सूची है वो शब्द ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। कहां से भाई, कभी भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा कि समृद्धि सूची शब्द कहां से लिया गया, तो आप बताएंगे कहां से गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समृद्धि सूची शब्द को लिया गया है, ठीक है दोस्तों। अब भाई राज्य सूची भी क्या होता है और संघ सूची का, देखो दोस्तों इन तीनों को एक बार बताता हूं, जो राज्य सूची होती है वो राज्य की होती है, अपने राज्य में कोई भी योजना या नियम जो भी लागू करते हैं वो राज्य में करते हैं। स्टेट होता है, स्टेट मतलब अपने पूरे भारत में, सॉरी संघ सूची होती है, पूरे भारत में कोई भी योजना चलाएगा तो पूरे भारत में चलाने वाला है वो होता है राज्य, संघ सूची। अब बताया समृद्धि सूची,
संपत्ति सूची का मतलब दोस्तों ये होता है कि संघ और राज्य, मतलब संघ और राज्य दोनों मिला के एक ऐसी योजना लागू करते जो अपने राज्य में उसका प्रॉफिट हो, मतलब लाभ हो जनता को, तो वो होती है संपत्ति सूची। ठीक है, अब बात करते हैं आठवीं सूची के अंदर। आठवीं अनुसूची के अंदर दोस्तों भाषा को उल्लेख किया गया है। किसका भी भाषा, किसका भाषा को उल्लेख किया गया है? प्रेजेंट टाइम में भाषा टोटल कितनी भाषा है? तो दोस्तों प्रेजेंट टाइम में टोटल 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। इतनी भाई 22 भाषा का उल्लेख किया गया है, टोटल 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। तो ये आठ वो सूची है जब भारतीय संविधान लागू हुआ था उस टाइम ये आठ सूची थी। और जो चार सूची बताई दोस्तों, चारों सूची में आपको विस्तार से बताने वाला हूं, एक बार इनको फिर मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूं दोस्तों। पहले में क्या भाई, राज्यों का संघ। दूसरे में क्या है, वेतन जो बड़े बड़े पद होते हैं उनके लिए। तीसरे में क्या है, उनको शपथ दिलवाई जाती है। चौथे में क्या भाई, राज्य और संघ का सीटों का बंटवारा, जो राज्यसभा में या लोकसभा में करते हैं वो सीटों का बंटवारा। पांचवे में क्या भाई, एससी एसटी के लिए रिजर्व होती है वो। उसके बाद छठी में क्या बोला, छठी में क्या बोला, एसटी के लिए जो चार राज्य होते हैं असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, इनके लिए भाई रिजर्व है। और सातवीं सूची में क्या होता है, समृद्ध सूची, संघ सूची और राज्य सूची, इनका विषय को उल्लेख किया गया है। जैसे कि मैं एक उदाहरण देकर बताता हूं कि जो शिक्षा शब्द है, ये शिक्षा शब्द भाई किस सूची का विषय है, समृद्धि सूची का या राज्य सूची का, केंद्र सूची का? दोस्तों ये शब्द है समृद्धि सूची का शब्द है, क्योंकि जो शिक्षा है उसका अधिकार राज्य का भी है और केंद्र का भी है, दोनों का है। और दोनों में जो योजना है वो कहलाते हैं समृद्धि सूची कहलाती है। ठीक है, और आठ में क्या भाषा का उल्लेख किया गया है दोस्तों। अब बात करता हूं आठ सूची कौन कौन सी है, बताई मैंने आपको। अब जो चार सूची नई लागू की गई वो सूची पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, तो नौवीं सूची, दसवीं सूची, ग्यारहवीं सूची और ये बारहवीं सूची, इन चार सूची जो बाद में जोड़ी गई थी। देखो दोस्तों, ये भाई क्या है, ये है भूमि सुधार। भूमि सुधार नौवीं अनुसूची में, और दसवीं भाई दल और बदल, दल बदल है। ग्यारहवीं सूची में क्या है, पंचायती राज या फिर पंचायत, या कह सकते और इसमें क्या भाई, नगर पालिका या नगर के। ठीक है, ये भाई कौन सी सूची है, चार सूची जो बाद में जोड़ी गई थी। इसको अपन ग्रामीण कह सकते, इसको अपन शहरी कह सकते भाई, ऐसे भी कह सकते ग्रामीण और इसको शहरी कह सकते। ठीक है, ये सूची जो बाद में जोड़ी गई थी। अब पूछते भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन कब किया गया था, तो 51वां संविधान संशोधन 1951 के तहत भूमि सुधार में संशोधन किया गया था। उसके बाद इसको भी बोले भाई ये पंचायती राज, तो 73वां संविधान 1992 के तहत इसको जोड़ा गया था 73वां। और इसमें भाई पंचायती राज कितनी भाषा है, कितनी भाषा बढ़ गई, 29 भाषा हुआ, और इसमें 18 भाषा का शब्द किया। और ये 74वां संविधान संशोधन के तहत अपन जो ग्रामीण है वो सॉरी शहरी क्षेत्र है उसको जोड़ा गया था। इसमें तीन पार्ट होते, नगर पालिका नगर निगम और एक होता है नगर परिषद होता है। इसमें दोस्तों एक होता है पंचायत, मतलब अपन कहते हैं भाई प्रधान उप प्रधान, ये हो गए इसमें। तो इस प्रकार से अपन कुछ कर सकते भाई। तो दोस्तों ये 12 सूची मैंने आपको बताया, इनका विस्तार जानने के लिए मैं एक नई वीडियो अलग से बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपको ये भाई इतनी तरीका से शानदार तरीके बताई, क्योंकि एग्जाम में इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे आपके सीईटी के लिए, उस हिसाब से मैंने आपको बताया दोस्तों। दोस्तों ये मैंने जो मेहनत करके आपको बताया, आपको अच्छा लगा तो वीडियो शेयर लाइक और कमेंट कर दिए दोस्तों, क्योंकि आपके लिए ये रात भर दिन भर आपके लिए मेहनत करता हूं। तो आप मुझे मोटिवेशन करेंगे तो मैं आपके लिए और भी अच्छा और शानदार तरीके से मैं आपको दोस्तों पढ़ा सकता हूं।
ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पढ़ाया जो भी आपको अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट क्लास में और भी शानदार तरीके से आपको बताया। जब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, गुड नाइट।